بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बच्चियों, जाने अनजाने सबको, अहले ईमान को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पिछली वीडियो उसमें मैंने थोड़ा सा वालदैन के हुकूक बताए थे। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु, इस पर बात कर ली थी मुख्तसर। तो मैं एक वाक़या सुनाना चाहता था, थोड़ा इशारा किया था कि एक बद्दू आया सहाबी का, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे माल को खर्च कर देता है। आपने फरमाया बुलाओ भाई। जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत की है तो उसे बड़ा दुख, तो उसने दिल ही दिल में चंद अशार पढ़े, जबान पैदा नहीं है दिल में आए। तो जब वो मस्जिद में एंटर हुआ तो जबरील पहले आए बैठे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं इससे कहो कि पहले वो अशार सुनाए जिसको इसके कानों ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने मिन फौके अर्श ही सुन लिया है, अर्श के ऊपर अल्लाह ने सुन लिया है। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बात हम सुनते हैं बाप बेटे की, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, तेरे कानों ने नहीं सुने, तेरे दिल की गूंज थी और तेरे दिल की आह और फरियाद थी जो दिल ही में घुट के रह गई, उसे अल्लाह ने सुना है। वो कहता है सुनाओ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपका रब हर वक्त हमारे ईमान को आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहता है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये चंद मेरे दुख भरे ख्यालात अल्फाज की शक्ल में ढले लेकिन मेरी बज़्मे तस्वुर में ही रहे और वहीं दफन हो गए, बाहर नहीं निकले, मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपके रब ने सुन लिया। अब मैंने कहा अच्छा बताओ तुमने कहा क्या था। तुमने कहा जी मैंने बच्चे की जब सुनी शिकायत मेरी की है तो मैंने कहा था गज़ौतुका मौलूदन वग़ुलतुका याफ़िआ तअल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलु वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सुक़्मि लैलतन लम अबित लिस्सुक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूकु दूनका बिल्लज़ी तुरिक्त बिही दूनी वअनी यतहमलु تخافوا الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مضى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل। मैं अभी तर्जमा करता हूँ इसका। मेरे नबी पर क्या असर हुआ कि आपका टप टप आंसू गिर रहे थे और आपकी दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो रही थी। ये इतना फसीह कलाम है कि अरबों को भी पसीना आ जाएगा तर्जमा करने के लिए। तो मैं तो अरबी नहीं हूँ लेकिन ये फ़ख्र तो हासिल है, भले हैं या बुरे हैं दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। कुछ अरसा अहले इल्म की महफ़िलों में बैठे, कुछ ज़बान की शनासाई हुई, तो मैं अपनी कम आएगी के साथ इसका तर्जमा करूँगा। वो कहता है गज़ौतुका मौलूदन वग़ुलतुका याफ़िआ तअल्लु बिमा अजनी अलैका व तनहलु। मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, ओए होए होए हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाता था, मेरी सारी कमाई पहली और आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। वैदा ज़ाकत का बिसुक में लैलतन लम अदल सुक्म का इल्ला साहिरन अतमलमलु। जब तू कभी बीमार हो जाता था तो तेरे सराने बैठकर हम सारी रात रोते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा ले,
हमारे बच्चों को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात मैं जागता था, तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे हंसाने के लिए मैं धक्के धोड़े खाता रहा, कभी गर्मी लू की झुलसा देने वाली रेत और कभी सर्दी के सर्द हवा के थपेड़े, लेकिन मैं इन दोनों से गुज़रता हुआ तुझे पालने की खातिर अपने आप को खपाता रहा। ओहो फलम्मा बलगत सिन वल गायत अल्लती इलैह मदा माफी का कुंत उअम्मिलू। बेटा मैंने अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया, सिर्फ कमाई नहीं, मैंने अपने हड्डियों का रस तेरे अंदर डाला, मैंने जो कुछ था तेरे ऊपर कुर्बान किया। तुझे मुस्कुराता देखकर मैं अपने गम भूलता था, तुझे हंसता देखकर मुझे दुख भूल जाते थे, और फिर आहिस्ता 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 मेरी हड्डियों का गूदा, मेरी कमाई तेरे अंदर गई और तू एक खूबसूरत दरख्त की तरह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और मेरी बुढ़ापे ने कमर झुका दी और मैं झुकता चला गया, झुकता चला गया। मेरा ख्याल था कि जैसे मैं इसकी उंगली पकड़ के चलता था, अब मेरी बारी है, ये मेरी उंगली पकड़ के चलेगा। जैसे मैं इसे सीने से लगाता था, प्यार करता था, झूले झूलाता था, बाग में ले जाता था, ये सारी उसकी ताबीरात के अंदर दाखिल हैं, अल्फाज में नहीं हैं। तो मुझे ख्याल आता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही लेके फिरेगा। मेरा बेटा भी मेरी सुनेगा। ये सौ सौ दफ़ा पूछता था ये क्या है और मैं हर दफ़ा जवाब देता था ये है। तो अब मैं बुढ़ापे में इसकी इससे बात करूँगा, ये मेरी बात सुनेगा। मैं इसको नवाले खिलाता था, ये मुझे रोटी खिलाएगा। मैं इसका उंगली पकड़ के चलता था, ये मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। मेरी कमर बुढ़ापे ने झुका दी और मैं एक खुश्क पेड़ की तरह हो गया, और जवानी ने तेरी कमर को सीधा किया और तो एक तरोताज़ा दरख्त बन गया। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने 20 साल इस बच्चे को पाला है, अभी अपनी माँ और बाप को देखेगा। लेकिन एकदम अचानक क्या हुआ, फलम्मा बलगत सिन वल गायत अल्लती इलैह मदा माफी का कुंत उअम्मिलू। जब तो उस उम्र को पहुंचा जिसमें हमारी उम्मीदें तेरे साथ लग गईं, हमें बुढ़ापे ने बेआसरा कर दिया और तेरी जवानी ने तुझे हिम्मत दे दी, तब तो हमारा ख्याल आया कि अब ये हमारे साथ वही करेगा जो हमने इसके साथ किया। लेकिन क्या हुआ, जालत जज़ाई गिलज़तन व फ़ज़ादतन كأنك أنت المنعم المتفضل। तो इतना बदतमीज हुआ, तेरी जबान छुरी बन गई, तेरा रवैया जहर बन गया, और मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का बदला तूने मुझे नाफरमानी से दिया, बदअखलाकी से दिया, बदतमीजी से दिया। मैं हैरत भरी नज़रों से तुझे देखता रहा और मैं अपनी पिछली 20 साल ज़िंदगी को झुटलाता रहा कि मेरे ख्याल में मैं इसका नौकर हूँ और ये मेरा मालिक, मैं इसका बाप नहीं, मैं इसका नौकर हूँ, क्योंकि माँ बाप के साथ तो ऐसा कोई नहीं करता है। ये मेरा मालिक है और मैं इसका नौकर हूँ, इसलिए मुझे डांट रहा है। कितने बच्चों को मैंने यह कहते सुना अपने बाप को, तू मेरे वास्ते आज तक किता की, तू मेरे वास्ते आज तक बनाया की,
और जो आप बेबसी की तस्वीर बना होता था वो शक्लें भी मेरे सामने हैं। हमारा देहाती माहौल ज़िम्मेदारा माहौल है, नहीं अब तो शहरों में भी यही हाल है। जिसने वो लेवल ए लेवल किया है उसे क्या पता माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो मैंने अपनी आँखों से बाप की बेबसी और बेटे का गुर्राना एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा देखा। तू मेरे वास्ते आज तक ही किता है, तू मेरे वास्ते आज तक ही बनाया। वो कहता अच्छा मेरा बच्चा जदा जवान हो सो आपे समझ जसो। जिब्रील इंसानी शक्ल में आया कि या रसूल अल्लाह कुछ सवाल किए क्यामत कब आएगी। कहा अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी। फरमाया जब देखो कि बेटियां भी माओं को नौकर की तरह धुतकार रही हों तो समझना क्यामत आने वाली है। कुछ अर्सा पहले एक बच्ची और माँ, तो माँ कुछ बात कर रही थी और बेटी कह रही थी भौक नहीं भौक नहीं, और उसकी माँ के खून से भरे हुए आंसू बह रहे थे और उसकी हिचकियाँ लग रही थी कि ये वो है जिसको मैंने अपने पेट से जाना और अपनी छाती का दूध पिलाते 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 मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की और आज कर ये भौक नहीं। तो कमाल के अशार। मैं सोच रहा हूँ जब मेरा ये हाल है 1400 साल बाद के मेरे आंसू नहीं रुक रहे, तो अल्लाह के नबी तो जारो कतार रोए थे, दाढ़ी आंसू से तर हो गई थी। कहा बेटा जब तूने मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का बदला बदतमीजी से दिया, गाली गलौज से दिया, धक्के धक्के देकर बाप को घर से निकाल देते हैं, तो बेटा मैं ये समझा कि तूने एक ख्वाब देखा था, तूने एक ख्वाब देखा था कि तू बाप है और ये बेटा है। असल हकीकत यह है कि ये मालिक है और मैं नौकर हूँ। फिर आगे कहता है फलैतक इल्लम तरा हक अबूवती फाल तक मल जारुल मुजावर युफालो। अच्छा चलो बेटा तूने मुझे बाप तो ना समझा, चलो एक पड़ोसी समझ लो। अरब में पड़ोसी का बहुत ख्याल किया जाता था और ये अरब की शान थी कि अपने पड़ोसी को वो इज्जत देते थे जो अपने घर में एक दूसरे को इज्जत देते थे। तो उसने फिर उसकी तरफ इशारा किया कि अगर मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरे रवैयों को देखकर तो यही लगता है कि मैं तेरा नौकर हूँ, तू मेरा मालिक है, तो चलो इतना तो कर दे जितना एक पड़ोसी पड़ोसी के साथ करता है। फ़ौलैतनी हक़ल जिवार वलम तकुन अलैया मिमालिन दूना मालिक तबखलू। तो पड़ोसी पर तो अरब खर्च करते हैं, तो तू भी थोड़ा सा मेरे ऊपर खर्च कर देता और तो बखील ना बनता और मेरे ख्वाबों को चकना चूर कर दिया, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मेरे बुढ़ापे को जिल्लत और रसवाई में बदल दिया। अच्छा मेरा पुत्र जा खुश रहो। माँ बाप कहाँ बददुआएं करते हैं। तो मेरे नबी की आंखों से आंसू ये सारी दाढ़ी तर हो गई। तो आपने उसके बच्चे को गरीबान से पकड़ा और झटका देकर धक्का देकर दफा हो जा, अंत व मालू कल अबीक, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके बेटे हसन कैसे बेटे हैं। कहा हसन मेरा वो बेटा है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरे आगे नहीं चलता, मेरे पीछे चलता है। जब कहीं बैठने का मौका आता है तो ये पहले नहीं बैठता, पहले मुझे बैठाता है फिर खुद बैठता है। जब खाने पर बैठते हैं तो ये रोटी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जब तक मैं ना बढ़ाऊँ, ये सालन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जब तक मैं ना बढ़ाऊँ। मैं कमरे में हूँ तो ये छत पे नहीं चढ़ता कि मेरे बाप की बेअदबी हो जाएगी। मैं हालांकि छत पे चढ़ना ज़रूरत के लिए होता है लेकिन कुर्बान जाए अहले बैत के ऐसे ही अखलाक होते हैं, आले रसूल ऐसे ही होते हैं। मेरे अजीज़ों नौजवानों से कह रहा हूँ जिनके वालदैन जिंदा हैं, हम तो महरूम हो गए, वो कब्रों में चले गए, लेकिन मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ
अब ये कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए हैं, मैंने मेरी ज़िंदगी ऐसे पहिए की तरह घूमी है। और फिर दिल की तकलीफ़, फिर उसके साथ सर का दर्द शदीद, इसके बावजूद मैं रोज़ाना 10 नफल अपने बाप के लिए पढ़ता हूँ, 10 नफल अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ और 4 नफल अपनी खाला के लिए पढ़ता हूँ कि सारी ज़िंदगी सजदों में सर रख के उसका सवाब माँ बाप को पहुँचाऊँ तो माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता।